छह राज्यों में 120 ठिकानों पर एनआईए की ओर से रेड की गई है। गैंगस्टर खालिस्तानी टेरर लिंक पर एनआईए का छापा। गुरुग्राम में दो जगहों पर छापेमारी जारी है और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के करीबी के घर पर एनआईए और स्थानीय पुलिस का छापा। एनआईए की ओर से छापा मारा गया है। स्थानीय पुलिस बल भी साथ में उपस्थित है। झज्जर के बादली में गैंगस्टर विकास के घर पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। डब्बाली में कांग्रेस नेता जग्गा बराड के घर पर एनआईए टीम पहुंची है, साथ ही स्थानीय पुलिस भी साथ में उपस्थित है। झज्जर के बहादुरगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी में छापेमारी जारी है। एनआईए ने नीरज भवाना गैंग के भूपेंद्र और खली के घर पर भी रेड की है। एक साथ तीन गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी का दौर जारी है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से जांच टीमें आई हैं, स्थानीय पुलिस भी साथ में उपस्थित थे। तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि पांच तस्वीरें देखिए आप देख रहे हैं। अंबाला झज्जर की बादली की तस्वीरें, झज्जर से ही बहादुरगढ़ की तस्वीरें, करनाल और कुरुक्षेत्र की तस्वीरें, तो पांच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर की। इसके अलावा सिरसा के डब्बाली में भी एनआईए की टीम है, वहां कांग्रेस नेता के घर पर छापेमारी की गई है। हरियाणा के अलावा पांच राज्य और भी हैं जिनमें एनआईए की टीम आज रेड कर रही है। कई घंटों से छापेमारी का दौर जारी है। 120 ठिकानों पर दरअसल ये छापेमारी का सिलसिला जारी है। गैंगस्टर या खालिस्तानी लिंक है, नशा तस्करी से जुड़े लोग हैं, गैंगस्टर्स के जो करीबी हैं, जानकार हैं, उनके घरों पर भी छापेमारी की जा रही है। तो अकेले गुरुग्राम में दो जगहों पर एनआईए की टीम पहुंची है। तो गैंगस्टर या खालिस्तानी टेरर लिंक पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी देखिए छापेमारी कर रही है, समय समय पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। छह राज्यों में 120 ठिकानों पर एनआईए की टीमें पहुंची हैं। जांच टीमें चंडीगढ़ से पहुंची हैं और स्थानीय पुलिस बल भी साथ में सभी ठिकानों पर मौजूद है।